हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो करते हैं एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत, जो कि है पिकनिक ब्लॉग। तो विंटर वेकेशन बढ़ गई थी, हम सब ने सोचा क्यों ना फैमिली पिकनिक हो जाए। तो चलो फिर चलते हैं पिकनिक में। तो आपको बहुत ही खूबसूरत पहाड़ दिखाऊंगी मैं। फेस रिवील कर दो मम्मा, मम्मा फेस रिवील कर दो, कर दो फेस रिवील। तो अब पता चला आपको कि जे अपना फेस रिवील क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि ये मेकअप करके नहीं आई थी, तो इसलिए जे अपना मुंह नहीं दिखा रही थी आप लोगों को। तो अभी जे गाड़ी में कर रही है मेकअप, फिर उसके बाद चलते हैं हम पहाड़ों में। तो आपको ना बहुत ही खूबसूरत सी जगह दिखाती दिखाती जाऊंगी मैं। इसको बोलते हैं कि जल्दी करे, थोड़ा हम लेट हो रहे हैं। तो अभी ये जल्दी जल्दी अपना मेकअप फिनिश करेगी, फिर उसके बाद निकलते हैं। और ये जो विंटर वेकेशन है ना, ये मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ तो रोज़ धूप निकलती है, इतनी ठंड नहीं है, लेकिन जम्मू में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसी कारण से हमें भी छुट्टियाँ मिल रही हैं। तो अभी हो गया दीदी का मेकअप कंप्लीट, शायद अभी आपको अपना मुंह दिखा दे। तो मैं अंशु को बोल रही थी कि इसकी तरफ भी कैमरा घुमाना, इसको भी लेना कैमरे में। तो अभी नहीं छुपाया इसने मुँह, अभी दिखा दिया। अभी ये मेकअप की पावर है। आपको लग रहा होगा कि पिकनिक में ये मेकअप करके कौन जाता है, तो जिनको फोटो और रील्स का बुखार होता है ना, उनको मेकअप करना पड़ता है, आप नहीं समझोगे। आप बस खूबसूरत पहाड़ों की खूबसूरती का लुत्फ़ उठाइए और बाहर के नज़ारों को देखते देखते चलते हैं हम। लेने जा रही था ऊपर, मैं आना चाह भी नहीं ठंडा। अभी हमने दुकान से चाय बनवा के ले ली है, वैसे बाकी खाना तो हम घर से बना के लाए हैं, लेकिन चाय हमने सोचा उधर दुकान से बनवा लेंगे। तो पहाड़ों में आके ना चाय पीने का कुछ और ही मज़ा होता है। तो हम पहुंच गए हैं हमारी पिकनिक वाली जगह पे। तो इस जगह का नाम है आरसी पीक। तो जहाँ ना नवंबर से बर्फ़ स्टार्ट हो जाती थी सर्दियों में, लेकिन अभी देखो कि बारिश भी नहीं हुई है सर्दियों की। तो दीदी पहुंच गई है अपनी फेवरेट जगह, मतलब रील्स और फोटो बनाने। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। तो ऐसी जगहों पे आके ना एक अलग सी खुशी मिलती है, आपको सुकून मिलता है। तो ऐसे खुली खुली जगहों पे पहाड़ होते ही खूबसूरत हैं। पहाड़ों पे आके ना आप चारों तरफ देख सकते हैं। तो इधर आएंगे तो सुबह से लेकर शाम तक इधर से जाने का मन नहीं करेगा। और हमारी किस्मत भी इतनी अच्छी है ना कि इधर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, नहीं तो चाहे धूप निकले पहाड़ों में बहुत तेज हवा चलती है। हाँ यार, मैं तो अच्छी दिखना चाहती हूँ, पर हूँ नहीं। पिंपल भी लग गया आपको? पिंपल भी लग गया आपको? है पिंपल ने बड़े ही दे रही है, कोड़ी है। तो आप कैसे सुंदर लगते हैं विंटर? तो हम सोच रहे थे ऊपर ही खुले मैदान में बैठ के खाना खाएं, लेकिन हमने सोचा हमारी चाय शायद ठंडी हो गई है, क्योंकि उसको पीने का हमें टाइम ही नहीं लगा। तो अभी हम आ गए हैं इधर जहाँ जिस दुकान से हमने चाय बनवाई थी। तो इधर ही हम सोच रहे हैं कि अगर हमारा घर से लाया हुआ खाना भी ठंडा हो गया होगा तो इधर गर्म करके खा लेंगे, लेकिन हमारा खाना ठंडा नहीं हुआ था। तो अभी हम खाना खा लेते हैं।
मेरे को क्या मिल गया नोबिता को रहने दे रहने दे अब गंदे से खा रही है बहुत है चलो देर लग रहा है क्या कर रहा है बड़ी बड़ी में आंटी की थी गर्म मन दीदी ने ये थी उन्हें वीडियो बना दी है उनका वीडियो का चर्चा इतनी खत्म हो नहीं है हमारी तो हो गई अभी पेट पूजा। तो मैं ना आपको इधर ये दो कमरे दिखा देती हूँ, ये एक कमरा है और ये दूसरा कमरा। इधर दो कमरे बनाए गए हैं रहने के लिए, अगर जहाँ आके किसी का मन करता है रहने का तो जहाँ रह भी सकता है। तो ये जिनकी दुकान होटल रेस्टोरेंट ऑल इन वन है, इन्होंने ही ये दो कमरे बनाए हैं। तो अभी इधर आके रहने की भी सुविधा हो गई है, आपको जो खाना है तो इधर से आपको मिल जाएगा। पहाड़ी होके पहाड़ों में डांस नहीं किया तो फिर क्या किया, बस मेरा डांस इग्नोर करना, बाकी सबका देख लेना। I'm gonna make it.
इस तरफ ही देखो दोनों ने। हाँ, इस तरह से